गुड डे एवरीबॉडी। दिस लेक्चर इज स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर फॉर देयर टेस्ट। लेट मी बी स्पेसिफिक, फॉर टेस्ट फॉर लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स ऑन सैटरडे, ऑन कमिंग सैटरडे। सो जस्ट ब्रशिंग अप समथिंग वी हैड केप्ट पेंडिंग, सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड because of want of graph paper. Now everybody should be having graph paper, so we might just re-revise one sum. उसका टेबल कैसे बनाने का है मैं आपको बता दूं, उसका टेबल कैसे बनाने का है बता दूं आपको। जॉटिंग करना आता है, नाइन चैनल में आपने सीखा है, पहले लेक्चर में मैंने थोड़ा सा आपको समझा दिया। आपको ये भी बताया मैंने कि जहाँ पे लाइन्स इंटरसेक्टिंग होती है, जहाँ पे लाइन्स इंटरसेक्टिंग होती है, यहाँ पे कहीं पे ये जो पॉइंट आता है, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। क्लियर है? तो एक और सम मैं बता दूं आपको कि टेबल कैसे बनाने का, ताकि उसका रिवाइज हो जाए। फाइन, तो पहला आपका इक्वेशन है 3x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हम इसमें किसको भी आइसोलेट कर सकते हैं, y को अलग करते हुए या 3x को अलग करते हुए, ठीक है। Now what happens if I put y that side, तो ये हो जाता है 3x minus 2 is equal to positive y हो जाता है, मेरे पास एक सिंपल इक्वेशन हो जाता है। तो मैं अभी y is equal to 3x minus 2 लिख सकता हूँ, ये मेरे पास एक सिंपल इक्वेशन हो गया। अभी यहाँ मैं यहाँ पे छोटे छोटे नंबर डालू, रिवीजन लेक्चर है तो आपको बता दूं कि अगर मैं y इज एक्स इज इक्वल टू 1 लेता हूं, x इज इक्वल टू 1 लेता हूं, तो ये क्या हो जाता है 3 इंटू 1 माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 3 वन 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो अगर x इज इक्वल टू 1 लेता हूं तो y भी 1 होता है। तो मेरा ये टेबल जो है पहला इसका है, इस तरह से टेबल बनाना है आपको। This is your x, this is your y, this is your xy. So the first part ये आपने लिया y, अगर आपने x को 1 लिया तो y भी 1 आया, तो यहाँ पे आ गया आपका 1 1, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप x को 2 लेते हो, x को 2 लेते हो, तो y is equal to क्या हो गया, x का value 2 है, 3 multiplied by 2 minus 2, 3 टू 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। आपने x वैल्यू का, x का वैल्यू 2 लिया, तो आपको यहां पे y का वैल्यू 4 आया, मतलब इफ x इज इक्वल टू 2 तो y इज इक्वल टू 4, यू हैव 2 एंड 4, यू हैव 2 एंड 4, ठीक है। थर्ड वैल्यू ले लो आप x इज इक्वल टू 0, जितना छोटे छोटे वैल्यू लोगे उतना अच्छा हो जाएगा y इज इक्वल टू। Now, अगर आप x इज इक्वल टू 0 लोगे तो ये x का वैल्यू 0 डाल रहे हो आप, तो ऑटोमेटिकली ये y, ये पूरा वैल्यू जो है, ये पूरा वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू माइनस 2 बचेगा। x इज इक्वल टू 0 लिए तो y इज इक्वल टू माइनस 2 बचेगा, तो यहाँ पे आपका आएगा इफ x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू माइनस 2, ये आ गया आपका 0 एंड माइनस 2। फिर ग्राफ पेपर के ऊपर आप ये तीन पॉइंट जॉट डाउन करोगे, 1 1 2 4 0 एंड माइनस 2, और आप एक स्केल रखोगे तो तीनों लाइन जो है वो कोलिनियर रहेगी। अगर तीनों लाइन कोलिनियर नहीं है तो कहीं ना कहीं आपका ये कैलकुलेशन रॉन्ग गया है, कहीं ना कहीं ये कैलकुलेशन रॉन्ग गया है, ठीक है। आप ग्राफ पेपर पे अगर ये सॉल्यूशन सॉल्व करते हो तो एक साइड ग्राफ पेपर है, दूसरे साइड आपका रूल्ड पेपर है, तो रूल्ड पेपर पे ये वर्किंग किया करो और प्रॉपर क्वेश्चन नंबर दिया करो और प्रॉपर क्वेश्चन नंबर देकर अटैच किया करो। प्रॉपर क्वेश्चन नंबर देने से मुझे याद आया कि दिस इज अगेन मे बी मेरा लेक्चर जनरल पब्लिक के लिए हो जाता है, पर स्पेशली मैं स्टूडेंट्स के लिए जो एग्जाम्स के लिए अपीयर कर रहे हैं, आपने ज्योमेट्री पेपर अपीयर किया था तो ज्योमेट्री पेपर में कुछ एक दो स्टूडेंट लोग ने क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा था या क्वेश्चन नंबर रॉन्ग लिखा था, बट आंसर बराबर था, तो मुझे जो चेक करने वाली टीचर थी उसने बोला कि भाई क्वेश्चन नंबर रॉन्ग है या क्वेश्चन नंबर लिखा नहीं है, मार्क्स दो कि नहीं दो। मैंने कहा कि एक बार पहले चांस दे दो, मार्क्स दे दो,
ये मिस्टेक अगर आप बोर्ड में करोगे, आप अगर क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करोगे और क्वेश्चन नंबर 2 लिख दोगे और क्वेश्चन नंबर 3 परफेक्टली है, वर्ड बाय वर्ड है, स्टेप बाय स्टेप सब बराबर है, पर आपको वहां पे 0 मिलेगा क्योंकि आपने क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है। आप क्वेश्चन नंबर ही नहीं लिखोगे और आपको मालूम है कि मैं ये सॉल्व कर रहा हूं तो भी आपको 0 मिलेगा। तो प्लीज रेज योर कॉन्सेंट्रेशन लेवल, जब आप टेस्ट देते हो तो आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल रेज करो और प्रॉपर क्वेश्चन नंबर लिखा करो। प्लीज राइट योर क्वेश्चन नंबर प्रॉपरली, ठीक है, फाइन। तो ये हमने ऊपर वाले इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 1 का बनाया मैंने, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का बनाते हैं। 2x plus y is equal to 8 टाइप टेबल बनाते हैं, ठीक है। तो 2x ये किसका था आपका, ये था 3x minus y minus 2 is equal to 0 का था। अब हम टेबल बनाएंगे 2x plus y is equal to 8। We will prepare the table in the similar manner. We will prepare the table in the similar manner. This will be x, this will be y, this will be x and y. So you have 2x plus y is equal to 8. तो मैं इसको मैनिपुलेट करता हूं तो क्या हो जाता है, y इज इक्वल टू 8 माइनस 2x हो जाता है। y इज इक्वल टू 8 माइनस 2x हो जाता है, ठीक है। सो नाउ व्हाट हैपेंस हियर, सपोज इफ यू टेक x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 लेते हो आप, तो y इज इक्वल टू 8 minus 2 multiplied by 2, this will give you 8 minus 4, therefore y is equal to आपको 4 मिलता है। आपने x is equal to 2 लिया तो y is equal to 4 आया, x is equal to 2 लिया तो आपने y is equal to 4 आया, तो ये 2 and 4। फिर कोई नंबर ढूंढेंगे near to that, 3 ले लेते हैं, x is equal to 3, तो x is equal to 3 लिए तो y is equal to 8 minus 2 multiplied by 3, this will be 8 minus 6, this will be 2। तो if you are taking x is equal to 3, you get y is equal to 2। आपका ordered pair आता है 3 and 2, ordered pair मतलब x का value पहले y का value बाद में। उसके बाद आप चलो x is equal to आप 4 ले सकते हो, आप x is equal to 4 ले सकते हो, ग्राफ पेपर में 4 तक आ सकता है छोटा छोटा, तो क्या हो जाएगा, y is equal to 8 minus 2 multiplied by 4, this will be 8 minus 8 is equal to 0। तो आपने x is equal to 4 लिया तो y is equal to 0 आया, मतलब आपका 4 and 0 आया। आप इसको वापस जॉट डाउन करोगे ग्राफ पेपर के ऊपर, तीनों पॉइंट को स्केल करके जॉइन करोगे, जहां पे वो पॉइंट जॉइन होएगा दैट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यू राइट इन द सेम वे एज यू राइट द सॉल्यूशन, देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन विल बी सो एंड सो सो एंड सो। यहाँ पे आपका 2 एंड 4 यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे 2 एंड 4 कॉमन है, तो ज्यादातर तो 100% यहाँ पे इसका सॉल्यूशन 2 और 4 आना चाहिए। पर मैं बता दूं कि कभी भी तुम्हारे को टेबल में नहीं आ सकता वो फिगर, आप कभी नहीं लोगे वो फिगर तो टेबल में वो फिगर नहीं भी आ सकता है, क्लियर है। तो ये थोड़ा ग्राफिकल मेथड आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, आप एग्जाम्स की तैयारी करने वाले हो तो थोड़ा ग्राफ पेपर हाथ में रखो, 3-4 ग्राफ पेपर, कितने ग्राफ के क्वेश्चन है मुझे भी नहीं मालूम है, ओके। तो आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बैठो और बाद में बोलो ग्राफ पेपर नहीं है, फिर ब्रेक लोगे, ग्राफ पेपर खरीदोगे, तो एक जो एसेंस है एग्जामिनेशन का दैट विल बी नॉट पॉसिबल। सो कीप योर ग्राफ पेपर हैंडी, ठीक है। अब मुझे एक चीज और एक्सप्लेन करना है आपको, जो आपको बता दूं मैं, दिस वॉज जस्ट अ रिविजन ऑफ ग्राफिकल मेथड, थोड़ा सा लेक्चर को एक प्रॉपर लेंथ का बनाने के लिए मैंने इसका रिवीजन ले लिया।
ना मैं आपके सामने दो तीन इक्वेशन लिखूंगा मैं, फर्स्ट इक्वेशन इज यू हैव एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 7 एंड 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 12, ठीक है, ये आपका एक इक्वेशन हो गया। सेकेंड इक्वेशन लिख रहा हूं मैं आपका 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 9, सेकेंड इक्वेशन लिखा हूं। फिर मैं लिख रहा हूं x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। ये तीन इक्वेशन आपके सामने लिखा, कुछ मकसद था मेरा इक्वेशन यहां पे लिखने के लिए, ठीक है ना। मैं आपको बता दूं कि अगर इक्वेशन को मैं कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं, इक्वेशन को मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं तो यू हैव दो इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इज इक्वल टू सी वन, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इज इक्वल टू सी टू, ये मेरा पहला इक्वेशन है, ये मेरा सेकेंड इक्वेशन, ठीक है ना। यू नीड नॉट गेट कंफ्यूज कि ये सर ने क्या लिख दिया, ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू, आप लिख रहे हो, आप जब क्रैमर रूल के हिसाब से सॉल्व कर रहे हो, आप जब डिटरमिनेंट सॉल्व कर रहे हो तब आपने ये यूज किया है। तो यहाँ पे अगर इसको कंपेयर करेंगे तो आप देखोगे ए वन एक्स बी प्लस बी वन वाई प्लस सी वन, कंपेयर करोगे तो a1 का वैल्यू क्या है 1 है, b1 का वैल्यू 3 है, c1 का वैल्यू 7 है, a2 का वैल्यू 2 है, b2 का वैल्यू 5 है एंड c2 का वैल्यू 12 है। यहां पे a1 का वैल्यू 2 है, b1 का वैल्यू 7 है, c1 का वैल्यू 5 है, यहां पे a2 का वैल्यू 2 है, b2 का वैल्यू 7 है, c2 का वैल्यू 9 है एंड यहां पे a1 का वैल्यू 1 है, b1 का वैल्यू 2 है, C1 का वैल्यू 5 है, A2 का वैल्यू 2 है, B2 का वैल्यू 4 है, C2 का वैल्यू 10 है। तो ये एक्सप्लेन करने से आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आओ अब जरा A1, A2, B1, B2 और C1, C2 के रेशियो जरा चेक करें। यहाँ पे A1 अपॉन A2 मतलब 1 अपॉन 2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2। यहाँ पे A1 upon A2 क्या है 1 upon 2 और B1 upon B2 क्या है 3 upon 5, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है फाइन। तो वी आर नॉट कंसर्न विथ C1 C2, हम यहाँ पे चेक करेंगे 2 upon 2। यहाँ पे A1 upon A2 is equal to b1 upon b2 है, 2 upon 2 7 upon 7, ओके okay? या मैं 2 और 7 भी निकाल दूं तो भी रेशियो बराबर रहेगा दोनों साइड से। तो यहां पे a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 है और यहां पे क्या है a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2 है, ठीक है। हमको मतलब नहीं है कि यहाँ पे C1 C2 क्या हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है नॉन इक्वल भी हो सकता है, ओके okay? यहाँ पे नॉन इक्वल होना जरूरी, यहाँ पे मेरे को गिनना जरूरी है। A1 upon B2, A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is not equal to C1 upon C2, यहाँ पे मुझे कंफर्म चाहिए is not equal to C1 upon C2, ठीक है। तो मेरे पास ये तीन इक्वेशन आया है जहां पे a1 upon a2 is equal to b1 upon b2, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2, यहां पे a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, ठीक है।
इस तरह के इक्वेशन आएंगे, तो आपको इक्वेशन देख के आपको अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू या इक्वल टू कुछ भी चलेगा यहाँ पे c1 अपॉन c2, खाली a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 जो आप हमेशा सॉल्व करते हुए आए हो, तो वो टाइम पे आपके ग्राफ पेपर पे, ऑन द ग्राफ पेपर दिस विल बी इंटरसेक्टिंग लाइंस, दिस विल बी इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 देन द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, देन द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। ठीक है, इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड कंडीशन है शुड नॉट बी इक्वल टू c1 अपॉन c2, वो टाइम पे आपके जो ग्राफ है दैट विल बी लाइंस विल बी पैरेलल, लाइंस विल बी पैरेलल। यहां पे क्या है, इंटरसेक्टिंग, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन होगा, एक ही जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसके लिए वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन होगा। ठीक है, यहां पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, दिस इज पैरेलल, दिस इज पैरेलल, यहां पे वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन, वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन, यहां पे पैरेलल है, देयर विल बी बिकॉज दे आर पैरेलल, बिकॉज दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं तो फॉर देयर विल बी नो सॉल्यूशन, देयरफॉर देयर विल बी नो सॉल्यूशन। ठीक है, a1 upon b2 is not equal to b1 upon b2, the lines are intersecting and there is one and only one solution where they are intersecting. a1 upon a2 is not, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 c2, ये confirm चाहिए मेरे को, not equal to c1 upon c2 होना चाहिए, तो the lines are parallel, मान के चले हम line देते हैं, ये line L है, ये line M है, line L and M are intersecting, ये लाइन L है, ये लाइन M है, द लाइन टू लाइंस आर पैरेलल, देयरफॉर देयर इज नो सॉल्यूशन, इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे तो सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहे तो वन सॉल्यूशन। नाउ कमिंग टू दिस वन, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, ये आप देखोगे तो ये भी 1 upon 2 है, ये 2 upon 4 है, ये भी 1 upon 2 है, ये 5 upon 10 है, ये भी 1 upon 2 है, मतलब तीनों इक्वल है। दिस इज वन सम एग्जाम्पल, दिस इज वन सम, तुम्हारे को उस पे पेज नंबर पे थोड़ा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो यू हैव टू गो थ्रू दैट ऑल्सो, इट इज ऑन पेज नंबर, इट इज ऑन पेज नंबर 9, इट इज ऑन पेज नंबर 9। सो व्हाट हैपेंस नाउ, दिस इज लाइन L, दिस इज लाइन M, दिस इज लाइन L, दिस इज लाइन M, दिस इज लाइन M, लाइन L एंड M इज इंटरसेक्टिंग इन वन पॉइंट, लाइन L एंड M आर नॉट इंटरसेक्टिंग, parallel, there is no solution, there is one and only one solution. Suppose this is line L. Then you have another line on this particular line, which is line M. मतलब this line L and this line M are said to be coincident lines. Coincident lines. ये लाइन L है तो लाइन M उसी के ऊपर जा रही है। When A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2। ठीक है, मैंने बोला जब A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2 इंटरसेक्टिंग है। मैंने जब बोला A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is not equal to C1 upon C2 मैंने कहा पैरेलल है। मैंने कहा A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2 मैंने कहा one and only one solution है। मैंने कहा a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2 मैंने कहा ये इंटरसेक्ट नहीं हो रहे तो मैंने कहा नो सॉल्यूशन है। अब a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2 are one above the other coincident lines, how many solutions are there? They will be said कि ये भी उसका सॉल्यूशन है, 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 हर एक पॉइंट उसका सॉल्यूशन है, तो यू हैव
इनफाइनाइटली इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, यू हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। दिस शुड बी क्लियर टू यू, यू हैव समथिंग। पेज नंबर 9 पे आपको दो इक्वेशन दिया हुआ है, x plus 2y is equal to 4 and 3x plus 6y is equal to 12। वहां पे आपका जो सम है दैट इज a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2 टेबल बना के, चार्ट बना के, ग्राफ पेपर बनाया गया है। आपको क्वेश्चन दिया है आर द ग्राफ ऑफ बोथ द इक्वेशन डिफरेंट और सेम, द ग्राफ ऑफ बोथ द इक्वेशंस आर सेम, व्हाट आर सॉल्यूशंस ऑफ द टू इक्वेशन x plus 2y is equal to 4 एंड ओके व्हाट आर द सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशन आर मेनी, सॉल्यूशन -4 भी है, -2 भी है, 0 भी है, 1.5 भी है, 2 और 1 भी है, 8 एंड -2 भी है। तो देयर आर इनफाइनाइटली हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर पॉसिबल, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। What are the relation between the coefficient of x, coefficient of y and constant term in both the equation? What is the relation? Relation is that a1 constant term. If a1, b1, c1 and a2, b2, c2 are constant, then the relation is a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. What conclusion can you draw when two equations are given but the graph is only one line? Okay. What conclusion can you draw when two equations are given but the graph is only one line? We can say that there are infinitely many solutions. Both the equations are same. यहाँ पे आप देखोगे 3x plus 6y is equal to 12 है ना, आप 3 common निकाल दो तो आपको वापस x plus 2y is equal to 4 मिल जाएगा। Okay? तो मतलब इसके लिए कि अगर equations are given, two equations are given, but the graph is only one line, मतलब both the equations are same. Both the equations are same. कहीं ना कहीं कुछ कॉमन निकाल के वो इक्वेशन सेम हो जाता है। क्लियर? फाइन। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर विच यू आर गोइंग टू अपियर फॉर योर लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स एंड ऑल्सो हिस्ट्री पेपर। थैंक यू वेरी मच।